गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और हम लोग कैसे हैं? आप लोग तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अभी अभी जस्ट मैं पावर नैप लेकर के उठी हूँ और लिविंग रूम पे आकर देखा, लिविंग रूम का हालत इतना ख़राब है और सोफ़े के ऊपर भी खाने का सामान कहीं ने गिरा कर रखा था, तो वो सब मैं ब्रश करके साफ़ कर रही हूँ। पहले लिविंग रूम को थोड़ा सा साफ कर लूँ। मैं इवनिंग टाइम पे भी घर को थोड़ा बहुत क्लीन करती हूँ, वही रूटीन मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लिविंग रूम को ठीक करने के बाद आ गए हूँ कुही के रूम पे, क्योंकि कुही यहाँ पे दिन भर खेलते रहते हैं, तो आफ्टरनून पे या फिर इवनिंग पे मैं एक बार रूम को ठीक ठाक कर देती हूँ और रात को एक बार ठीक करती हूँ। दिन में दो बार मैं कुही के रूम को ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो एक बार अगर मैं ठीक करूँ तो हालत ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से। वीडियो जब मैं एडिट करती हूँ, जब मैं वॉइस देती हूँ वीडियो पे, उस टाइम पे कोई भी मेरे साथ रहते हैं और कहाँ जाएंगे अपने मम्मी को छोड़कर, तो ऑब्वियसली मेरे साथ ही रहते हैं। इस वजह से कोई का भी साउंड थोड़ा बहुत वीडियो में आ जाते हैं। बारिश का सीज़न है और यहाँ पे नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, इस वजह से मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोया है। जितना भी बेसिक कपड़े है मेरा नहाने के बाद का और कुही का थोड़ा बहुत, वही जस्ट धोया है और बहुत ही मुश्किल से ये ड्राई हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा ही कपड़े मुझे फोल्ड करना है, तो फटाफट से वो कपड़े मैं फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जाऊंगी किचन पे, क्योंकि किचन में भी थोड़ा बहुत बर्तन मैंने दोपहर को धोकर रखा था, वो सब मैं अपने अपने जगह पे अरेंज करके रख दूंगी, ताकि इवनिंग पे जब मैं साड़ी बनाने के लिए आऊं तो मुझे किचन जो है वो पूरी तरह से खाली मिल जाए। किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है बर्तन। बर्तनों को अगर आप अरेंज करके अपने अपने जगह पे रखें तो किचन बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा क्लटर फ्री लगते हैं, तो इसको मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ बर्तनों को अपने अपने जगह पे रखने के लिए। हर एक सामान का एक अपने अपने जगह होना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन रहे, घर का सामान भी, घर भी, सब कुछ अच्छे से मतलब मेंटेन रहे। इवनिंग टाइम पे भी मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ घर को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाते हैं और कोई भी बिस्किट वगैरह नीचे गिराते हैं, और वैसे भी सुबह शाम हम लोगों को घर को डस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के ज़माने में ये सब कौन मानते हैं, या फिर टाइम भी नहीं होते हैं हम लोगों के पास, तो अगर टाइम हो तो शाम को एक बार घर को झाड़ू लगाने से बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ फल पाया जाता है, लक्ष्मी माँ का कृपा घर पे बनाया हुआ रहते हैं। फाइनली मेरा इवनिंग का काम ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग का काम था और सामान
को अरेंज करके रखना था, सब कुछ मेरा हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीने का मन हुआ, तो अभी मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर ली है अपने लिए। थोड़ा सा बैठकर एक मिनट से पानी को पीऊँगी, लेकिन पता नहीं कुही कब सो करके उठे, तो चलिए फटाफट से पानी को मैं एंजॉय कर लेती हूँ। तो देखिए कुही सोकर उठ के है। ये मेरे साथ रोज ही होते हैं, जब भी कुछ पीने के लिए खाने के लिए बैठती हूँ, अगर कुही सो कर रहते हैं तो उठ जाते हैं उस टाइम पे। आई थिंक ये सभी मम्मी के साथ होते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए कुही के पास। एक्चुअली कुही को थोड़ा सा आई थिंक गुस्सा आया है मुझे सामने नहीं देखने से। अगर वो सोकर उठने के बाद मुझे सामने नहीं देखते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। अगर मुझे देख लेते हैं सामने, मम्मी बैठे हुए हैं या फिर सोए हुए हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कुही के साथ मैं अभी सो रही हूँ। तो अभी बातों बातों में शाम भी हो गए हैं और गौतम भी आने वाले हैं, पूजा भी करना है, तो फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद आई थिंक गौतम भी आ जाएंगे। देखिए मैंने अनियंस और कैप्सिकम को ले लिया है, इसको मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी मैक्रोनी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ और कुही भी खाएंगे। इसको मैंने प्रेशर कुकर पे बॉईल की है। देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल पे चॉप किया हुआ अनियंस को फ्राई कर ली है, उसके बाद कैप्सिकम को देकर थोड़ा सा फ्राई कर ली है, फिर मैक्रोनी को थोड़ी देर 5 मिनट तक मैं इस तरीके से फ्राई करते रहूँगी। फिर मैगी मसाला जो पैकेट में मिलते हैं वही मैं एक पैकेट दे दूँगी और उसके बाद इसको 5 मिनट अगेन फ्राई करूँगी, फिर हम लोगों का टेस्टी मैक्रोनी बन जाएंगे। कुही
इसको मैक्रोनी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसको पहले ही दे दिया है। हम लोग भी अभी मैक्रोनी और चाय पियेंगे। तो चाय पीने के बाद अभी हम लोग थोड़ा सा बेड पर सोकर टीवी देख रहे हैं, और कुही भी है हम लोगों के साथ। उसके बाद जाऊंगी डिनर बनाने। अभी डिनर बनाना तो स्टार्ट कर दिया है, 8:30 हो गया है। कुही के लिए मैंने फ़िश करी बनाया है, और हम लोगों के लिए बनाऊंगी प्रॉन। प्रॉन में एकदम सिंपल तरीके से तो नहीं बोलूँगी, मैंने रेसिपी ही बनाया है प्रॉन का, क्योंकि प्रॉन बहुत ही टेस्टी फिश है, तो रेसिपी बनाना तो बनते हैं। आज मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, किसी और दिन इस रेसिपी को मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो आज ऊपर ऊपर से ही देख लीजिएगा, अगर आपको अंदाज़ा हो गया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैंने किस तरीके से फ़िश को बनाया है। इट्स टाइम टू फाइनल किचन क्लीनिंग। तो अभी मैं फाइनल किचन क्लीनिंग करूँगी। बर्तन जो आप लोग देख रहे हैं वो मैंने धो करके रख दिया है, अभी जस्ट मुझे स्लैब को और गैस को साफ़ करना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइए, और आप लोगों के साथ मैं और किस तरीके का वीडियो शेयर करना आप लोग को पसंद है आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किचन क्लीनिंग हो जाने के बाद कुही को मैं खाना खिलाऊंगी, और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद मैं क्या करती हूँ वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए नाइट रूटीन का। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि इतना मैं बिज़ी रहती हूँ पूरा दिन, मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलते हैं। थोड़े थोड़े करके मैं जितना हो सके वीडियो को एडिट करती हूँ, और एक्चुअल में मुझे वॉइस देने में ज़्यादा दिक्कत होते हैं, क्योंकि कोई सामने ही रहते हैं इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग इसे माइंड मत कीजिएगा, मुझे इंस्पायर करने के लिए मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, चिल देन, बाय।